हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज ऑफ फार्मेसी। आज हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। द फर्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। सो लेट्स सी व्हाट इज फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है ड्रग, एक है टू मेक। फार्मा मीन्स ड्रग एंड कोपिया मीन्स टू मेक। ड्रग की मेकिंग को बोलेंगे फार्माकोपिया। फार्माकोपिया इन द मॉडर्न टेक्निकल सेंस इज अ बुक कंटेनिंग डायरेक्शंस फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड मेडिसिन। जो फार्माकोपिया है, एक मॉडर्न सेंस में कहा जाए तो एक बुक है जो कैसे ड्रग्स को बनाया जाए या मेडिसिन को बनाया जाए और उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाए उसके बारे में इस बुक में लिखा रहता है। एंड पब्लिश बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट और फार्मास्यूटिकल सोसाइटी। ये जो इस बुक को पब्लिश करते हैं वो एक अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट की या फार्मास्यूटिकल सोसाइटीज़ होती हैं। डिस्क्रिप्शंस ऑफ प्रिपरेशंस आर कॉल्ड मोनोग्राफ्स। ये जो बुक में डिस्क्रिप्शन दिया रहता है कि वो कंपाउंड को कैसे बनाया जाए, उस डिस्क्रिप्शंस को हम लोग बोलते हैं मोनोग्राफ्स। एक बुक में 3,000-10,000 मोनोग्राफ्स होते हैं। द फार्माकोपिया कंटेन, अब जो बुक है वो क्या क्या कंटेन करती है, तो लिस्ट ऑफ ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस। लिस्ट करेगी ड्रग्स की कि कौन कौन से ड्रग्स हैं, सोर्सेस, वो ड्रग का सोर्सेस क्या है, प्रिस्क्रिप्शन जैसे उसका प्रिपरेशन कैसे करना है, टेस्ट कि हम लोग उसको टेस्ट का क्या कर सकते हैं, फार्मूलाज ऑफ प्रिपरेशन, फार्मूलाज प्रिपरेशन के यूजेस, डोसेस कि कितने डोज में देना चाहिए हमें, स्टोरेज कंडीशन के कौन से किस कंडीशन में हमें स्टोर करना चाहिए। फार्माकोपिया हर कंट्री की अलग अलग होती हैं। लेट्स स्टार्ट विथ इंडियन फार्माकोपिया बिकॉज वी आर इंडियन। इंडियन फार्माकोपिया और आईपी, आप ये बहुत सारी जगह में आप भी आगे भी पढ़ने वाले हैं या पढ़ेंगे, ये एक स्टैंडर्ड होता है आईपी। हम हर एक जैसे सारी इंडस्ट्रीज़ हो गई, हमारी बुक्स हो गई, ये पूरे इंडिया में आईपी ही मेन स्टैंडर्ड माना जाता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स के लिए, बेचने के लिए या जो भी मेडिसिन कंज्यूम होती है इंडिया में उन सब के लिए। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, एक ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन होता है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, विच सेट स्टैंडर्ड फॉर ऑल ड्रग्स। सारे ड्रग्स का स्टैंडर्ड, क्या फॉर्मूले होने चाहिए, एक स्टैंडर्ड होता है। दैट आर मैन्युफैक्चर सोल्ड एंड कंज्यूम्ड इन इंडिया, जो कि मैन्युफैक्चर होंगी, सोल्ड होंगी या कंज्यूम होने वाली है इंडिया में, उन सब के लिए। दैट सेट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स आर पब्लिश्ड अंडर द टाइटल इंडियन फार्माकोपिया। तो जो ये सारे स्टैंडर्ड होते हैं जो पब्लिश होते हैं, तो वो कौन से टाइटल के अंदर होते हैं, तो आई पी, जिसे हम बोलते हैं इंडियन फार्माकोपिया। In 1948, Government of India appointed an Indian Pharmacopoeia Committee for preparing Pharmacopoeia of India. सबसे पहले जो 1948 में ही है, जो Government of India जिसने अपॉइंट किया Indian Pharmacopoeia Committee, क्या बनाने के लिए, IP बनाने के लिए, Pharmacopoeia ऑनकल है। तो जो तीन मेन एडिशन है वो फर्स्ट, सेकेंड एंड एट्थ है, और सब जो बीच के एडिशन है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, नहीं पूछे जाते हैं, पर फर्स्ट टू एंड लास्ट वाला पूछ सकते हैं। ब्रिटिश फार्माकोपिया, इसे हम बीपी भी बोलते हैं। द ब्रिटिश फार्माकोपिया इज द नेशनल फार्माकोपिया ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। ये नेशनल फार्माकोपिया होती है यूनाइटेड किंगडम की। द बीपी इज एन इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी कंपोनेंट इन द कंट्रोल ऑफ मेडिसिन। स्टैट्यूटरी मीन्स परमिटेड। अलॉन्ग विद द ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी, फार्मूलरी मतलब जो ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी है, जो फार्मूलाज होते हैं, जैसे हम लोग आईपी में पढ़े थे, बहुत सी फार्मूलेज को इसमें बुलाया कि जो कंट्रोल ऑफ मेडिसिन के अलावा भी बीपी का इंपॉर्टेंट रोल उसके फार्मूलाज में भी होता है। इट डिफाइंस द यूकेज फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड। ये जो यूनाइटेड किंगडम का है उसका ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बताता है, जो बीपी है। जैसे हम लोग का आईपी जो है वो इंडिया का बताता है, वैसे ये यूके का बताता है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ बीपी इन 1864, तो इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो 1864 में हुआ है, ये सबसे पहले आया था पूरे में, जितने भी फार्माकोपिया अब तक के निकले सबसे पहला यही है। फिर यूरोपियन फार्माकोपिया, द यूरोपियन फार्माकोपिया इज एन फार्माकोपिया दैट एम्स टू प्रोवाइड कॉमन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स थ्रू आउट यूरोपिया टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन एंड द सब्सटेंस यूज टू मैन्युफैक्चर दैम। अब जो यूरोपियन फार्माकोपिया होता है, ये सेम है फार्माकोपिया का मतलब, तो फार्माकोपिया जो एम करता है क्या, कॉमन क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए थ्रू आउट द यूरोप, ये पूरा यूरोप के लिए रहता है, जो कंट्रोल करता है क्वालिटी ऑफ मेडिसिन की, क्वालिटी के लिए, एंड द सब्सटेंस यूज टू मैन्युफैक्चर, और कौन सा सब्सटेंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको बनाने के लिए। तो जो इसका फर्स्ट एडिशन है वो 1967 में आया था।